उत्तर प्रदेश के कासगंज की तिरंगा यात्रा के बाद कल मोहब्बत की नगरी आगरा में मुस्लिम उलेमाओं के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए। यात्रा के ऐलान के बाद भारी संख्या में पुलिस बल शहीद स्मारक पर तैनात कर दिया गया था और कासगंज में हुई घटना के बाद जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द खराब हुआ है और मजहब के नाम पर राजनीति भी शुरू हो गई है, वहीं आगरा में मोहब्बत का पैगाम देते हुए मुस्लिम समाज ने खुद को देशभक्त साबित करने और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए शहीद पार्क से तिरंगा यात्रा निकालने का आयोजन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मुस्लिमों को पहले से ही पुलिस ने घेर रखा था। आगरा में पहले से ही धारा 144 लगी हुई है, लेकिन इस यात्रा की अनुमति नहीं मिलने के बाद भी मुस्लिमों का इकट्ठा होना पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फुला रहा था। वहीं मुस्लिम समाज महिलाओं के साथ एकत्रित होकर तिरंगा यात्रा निकालने पर आमदा थे। इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश में मुस्लिम अपने को देशभक्त का मैसेज देना चाहते हैं। इस यात्रा में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल रहे। ये सबूत देना पड़ा, ये बहुत सवाल महत्वपूर्ण है कि हमें मुस्लिम होने के बाद हमारे लोगों को अगर ये पैगाम देना पड़े कि हम इस हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, उससे बड़ी हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं है। मगर आप ये करेंगे, अगर हमें इस नाम से लड़ाया जा रहा है कि मुसलमान तिरंगे के विरोधी हैं, तो हम उसका सामना करेंगे। हमें अगर ये सबूत देना पड़ेगा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को अपना कहने के लिए, तो हम तैयार हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे जो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, तिरंगा यात्रा के मकसद से जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और जिस तरह से माहौल को, फिजा को गर्म किया जा रहा है, इसको शांति पूर्वक के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से एक अच्छा पैगाम देना चाहते हैं। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दौरे नहा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी वह गुल सिता हमारा। ये देखिए, जो प्रस्तावित था उसके मुताबिक ये संस्था एक यात्रा निकालनी चाह रही थी, जिसकी अनुमति उन्हें प्राप्त तो नहीं हुई है, फिर भी इनका ये कहना है कि यहाँ पर आकर एक ज्ञापन देना चाह रहे थे। बड़ी कम संख्या में आए थे ये लोग और अपना ज्ञापन दे दिया है इन लोगों ने। इनकी भावनाओं से उचित माध्यम से सक्षम स्तर तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन पुलिस की पूरी यहाँ व्यवस्था देखी गई, तमाम भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, क्या तो क्या आशंका थी कि भीड़ ज़्यादा हो सकती है? देखिए, कानून व्यवस्था के मद्देनजर पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है हम लोगों ने किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए। आज यहाँ के एक समाज सेवी हैं मैडम, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और एक ज्ञापन देंगे, जिसके क्रम में आज यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए और इसके बाद शांतिपूर्वक ज्ञापन देकर उनके द्वारा कार्यक्रम समाप्त कर लिया गया है। ये प्रकरण उन्होंने बता रहे कि उन्होंने ज्ञापन दिया है, 14 मांग सूत्रीय मांगे भी उन्होंने प्रशासन, जो भी ज्ञापन उन्होंने प्रशासन को दिया है, ज्ञापन जिस स्तर पर पहुँचाना होगा, जिनके स्तर वो हमारे यहाँ से पहुँचा दिया जाएगा इनकी भावनाओं को। संपन्न यहीं करा दी गई थी इनकी यात्रा जो निकलनी थी शहीद स्मारक पर, यहीं समाप्त हो गई है। बहुत ही 15-20 लोग थे, आए थे यहाँ, इकट्ठा हुए और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, ज्ञापन इनका सक्षम स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से फरहान खान की रिपोर्ट।